राम राम दोस्तों, आज की वीडियो स्पेशल क्या भाई, हम इंडिया से आते हैं, क्या करते हैं, इधर आते हैं या तो स्टोर पे काम करते हैं। स्टोर पे काम करने के बाद जैसे वर्क परमिट आता है, वर्क परमिट आने के बाद जो बंदे मैक्सिको के थ्रू आते हैं उनकी बात कर रहे हैं, डोंकी के थ्रू आते हैं, कहीं यूके से भी आते हैं भाई, इधर कहीं अदर कंट्री से भी आते हैं, जरूरी नहीं है कि इंडिया से आते हैं, कहीं यूके अदर कंट्री से भी आते हैं। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ आपकी स्टूडेंट की, थोड़ी स्टूडेंट को जैसे वर्क परमिट मिल जाता है भाई, वैसे F2 को वर्क परमिट मिल जाता है, फोन को भी। तो हम क्या करते हैं इधर आकर, मोस्टली डोंकी में आते हैं भाई, तो थोड़ी सी वीडियो उनके लिए भी बना रहा हूँ। हम क्या करते हैं इधर आकर भाई, नॉर्मली हमारा प्रोसेस होता है स्टोर पे काम करते हैं, स्टोर जैसे वर्क परमिट आ जाता है क्या करते हैं, ट्रक पे चले जाते हैं, मोस्टली अपने हरियाणा पंजाब के तो मोस्टली ट्रक पे चले जाते हैं। बंदे वहाँ भी 70-80 लाख रुपये साल के आराम से कमा लेते हैं। मैं खर्चे नहीं गिनवाए भाई, अभी खर्चे तो अलग चीज़ होगी, कमाने की बात है आज, क्या कमा सकते हैं क्या नहीं कमा सकते हैं, हम गलती क्या करते हैं। 70-80 लाख तो वहाँ कमा लेते हैं, लेकिन मैं आज आपको बात करता हूँ भाई, 1.5 से 2 करोड़ रुपये भी कमा सकते हैं हम इधर, अगर थोड़ा सा दिमाग से काम ले तो। ये वीडियो आज उसके लिए है। क्या चक्कर है भाई, स्टोर अब काम करा, वहाँ भी 3-4 लाख रुपये कमाई ले, पर ब्रांड गति हो वहाँ से 12-12 घंटे डेली लगी रहे, वो तो कैश काम की बात होगी भाई, कैश पर काम करा। फिर आ जाता है वर्क परमिट आने के बाद ही हम अपना ट्रक का लाइसेंस बनवा कर, मतलब हैवी लाइसेंस बनवा कर सीधा ट्रक वगैरह पे चढ़ जाते हैं। वहाँ भी अच्छी चीज़ है, वहाँ भी अपना खुद का बंदा, अपना मतलब खुद का मालक ट्रक पे, तो उधर बंदा कमा लेता है 80 लाख रुपये तो आराम से, साल के 70-80 लाख रुपये आराम से कमा लेता है, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। ठीक है, खर्चे अलग चीज़ होगी, खर्चे को नहीं गिनवाऊंगा भाई मैं, क्या खर्चे होते हैं क्या नहीं होते हैं, मतलब जो कमाई होती है वो बात कर रहा हूँ मैं, उसकी काट पीट की बात नहीं कर रहा अभी। हमारी गलती क्या होती है भाई, आज वो गिनवाता हूँ आपको, अगर और अच्छी अर्निंग करनी है तो। आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ भाई, अभी हाल फिलहाल में स्टोर पे खुद पे एक ऑफर आया अमेजोन वालों का, कि हम आपको 10-20 पार्सल दिया करेंगे डेली, उसको आपने पार्सल करना है, पार्सल मतलब आपके लोकल एरिया में, मतलब 4-5 माइल्स के अंदर कुछ टाइम लगता भाई, 1.5 घंटे का काम था। एवरी डे फ्राइडे सैटरडे की मेरे अकॉर्डिंग छुट्टी थी, $1,200-1,300 में मंथली बन जाते थे, एक पार्सल के कुछ पैसे कर रखे थे उन्होंने, कि एक पार्सल आप किसी को देख कर आओगे उसके आपको इतने पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, 1 घंटे काम था बिल्कुल, वो क्या कितने वीकली कितने घंटे हो गए, 4-5, 5-5.5, 6 घंटे लगा लो, चलो 6 घंटे काम था एक वीक में। अगर आप ऊबर आबर करते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा काम था भाई। ठीक है, तो 1 घंटे काम था, उसमें क्या था कि वो कराता मैं तो $1,200-1,300 मंथली मिल जाते, कंपनी थी भाई अच्छी कंपनी है, लेकिन कंपनियों के रूल होते हैं भाई, वो कंपनी मेरे को साल में 14-15 हज़ार बोनस देती, डॉलर का $14,000-15,000 का बोनस लगा के चलो तो आपको 12-1,300 तो यही। ठीक है, 1 घंटे काम करने की तो 15,000 में लग लो, लगभग 12-1,300 में जोड़ लो, लगभग 2,500 रुपये भाई आपके मंथली बन रहे थे बिना बात के, 1 घंटा देने के कम है क्या यार। कंपनियों को ये फ़ायदा होता है, हम क्या करते हैं गड्डी में चढ़ जाते हैं तो कंपनी भाई, हम कंपनी को ज्वाइन नहीं करते। जैसे मैं देखता हूँ ना इधर हैवी लाइसेंस के लिए, जिसके पास हैवी लाइसेंस उनके लिए बहुत अच्छी अच्छी पोस्टें निकलती हैं, वॉलमार्ट हो गया, मायर हो गया, कोका कोला हो गया, पेप्सी हो गया, बहुत अच्छी अच्छी कंपनी जिसमें आप थोड़ा बहुत लोकली डिलीवरी का काम कर सकते हो। मैं आपको क्या होगा कि हम आपकी जब उसकी वो देखते हैं ना सैलरी, तो हमको लगेगा भाई अपना ट्रक ही ठीक है, लेकिन नहीं, ट्रक के साथ साथ भाई में बोनस भी देते हैं बहुत मोटा। मैंने $2-2 लाख ईयरली इनकम, मतलब पैसे वाली जो भी देखी है, सिर्फ ट्रक लाइसेंस होना चाहिए आपके पास, ट्रक लाइसेंस नहीं भाई, ये कंपनियां मांगती है परमानेंट बंदा, अगर आप परमानेंट हो गए रहोगे तो ये बोनस बढ़ाती जाएंगी, आपकी सैलरी बढ़ाती जाएंगी, एक्स्ट्रा काम करोगे तो डबल सैलरी मिलती है। मान लो आपका इधर की कुछ रूल होते हैं भाई कि आप इतने घंटे काम कर सकते हो वीकली, उससे एक्स्ट्रा काम करोगे तो उसमें आपको डबल सैलरी मिलेगी। अगर मान लो कंपनी में अच्छी सैलरी मिलती है भाई $20, और अगर आपको $20 मिल रहे हैं ना, जितने आप एक्स्ट्रा घंटे करोगे उसमें $40 मिलेंगे आपको डबल,
अपने वाले बंदे तो एक्स्ट्रा करते ही हैं भाई, अपने वाले बंदे आते ही इधर कमाई के लिए हैं, तुम एक्स्ट्रा करते ही हैं, तो उनको वहाँ पर डबल मिलेगा भाई। तो हाँ, हमारी गलती ये होती है कि हम अपने अपने लोकल बंदों के साथ अलग रख के, मतलब कोई ट्रक पे चल जाता है, अच्छी चीज़ है वो, भी माड़ी चीज़ें नहीं है भाई, वहाँ भी अच्छी कमाई होती है। लेकिन अगर हम इसका थोड़ा सा एनालाइजेशन करें ना, तो अगर हम कंपनियों में अप्लाई करेंगे ना, तो बहुत मोटे पैसे मिलते हैं भाई, बहुत मोटे पैसे। ठीक है, वर्क परमिट आने के बाद, अभी मेरा वर्क परमिट आया है, देखते हैं क्या होता है। तो भाई बात सिंपल सी है कि अगर हम काम कर रहे हैं ना, तो हमारे कंपनियों की जो सी फेमस कंपनी है ना, उनमें अप्लाई करना चाहिए। यहाँ भी देखो ना भाई, यहाँ एक क्लेमेंस कंपनी है, वैसे वहाँ चिकन वाली कंपनी है, वहाँ कुछ मतलब पोर्क की कुछ नॉन वेज वाली कंपनी है, वहाँ से मांस मूस मना कट दोगे शायद कुछ। वहाँ लोग काम करा ना, वहाँ तो $20 मिला, मेरी बात ध्यान से सुनिए पूरी, घंटे हिसाब से मिला वहाँ से भाई, ये तो घंटों के हिसाब से बात कर रहा हैं मैं। जैसे जैसे आप उस वहाँ पुराने होंगे जो 6-7 महीने 8 महीने हो गए, तो कैप हो उनके पास, एक कैप का कलर बदलते चल जाओ, कैप का कलर मतलब आपकी पोजीशन थोड़ी थोड़ी अप होती चल जाओ, अप होती चल जाओ, तो भाई आपके पैसे भी अप होते चले जाओ, पैसे मतलब डॉलर भी अप होते चल जाओ, मेरे कहने का मतलब है। ठीक है, क्योंकि वो कंपनी है, फेमस कंपनी है भाई इधर, तो इसलिए हम क्या करें भाई, हम कंपनियों के साथ डील नहीं करते, क्योंकि हमारी इंग्लिश थोड़ी कमजोर हो, और इनके गलों माथा मारने का हमने सोचा भाई चलो कोई अपने बंदा टकर जाए यार, जिम में 4-5 अपने बंदे लग रहे हो, उन्हीं के लिए थोड़े बहुत ऊपर नीचे बात कर ला, उन्हीं से थोड़ा सलाह ले ला, बाकी जो सा बंदा लोकल हो जाए भाई, कहीं यहाँ से मैं माना पूछते भी नहीं। हाँ, इंडिया वालों की बात कर रहा मैं, कहीं सारे नहीं, कई बंदे भाई जो से शुरू से पी आ रहे हैं यहाँ से, और अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं, अगर आप भी उस कंपनी में जाओगे ना, तो थोड़ी बहुत नीचे की भावना नहीं देखेंगे भाई, पता नहीं क्या कहना है यहाँ से, क्यों भाई हम नहीं काम कर सकते क्या। तो मेरे कहने मतलब भाई थोड़ी थोड़ी टाइम के अकॉर्डिंग में आपका लेवल भी अप करा भाई, तो ऐसी जगह काम करो जहाँ आपका लेवल भी अप होता जाओ, और एक बोनस दे भाई मैं, पहले उस कंपनी में अगर आप पूरे टाइम पर रहे, एक्स्ट्रा टाइम की बात नहीं कर रहा मैं, पूरे टाइम पर रहे, पूरे टाइम मतलब जो भी लोकल वो होता है ना टाइमिंग, उस टाइम के अकॉर्डिंग रहे ना आप, तो आपको $600-700 यहाँ बोनस मिला था। कितने $600-700 भाई, इंडिया के अकॉर्डिंग बैठ जाएंगे आपके 60,000 के करीब बोनस मिल जाता है यार, $600-700 बोनस मिला था भाई पूरे टाइम पर, बल्कि मारे वाले बंदे तो आवर टाइमिंग लगाओ भाई, आवर टाइम में जितने घंटे लगेंगे उसको डबल सैलरी मिला यार। ठीक है ना, तो मेरे कहने का मतलब है भाई, हम कंपनियों से अलग रहो, मरे मोस्टली इंडियन बंदे, मैक्सिकन बंदे तेज हो यहाँ से, मैक्सिकन बंदे भाई कंपनियों में काम कर रहे हैं यहाँ से, गर्मी बहुत होगी आज भाई, कल परसों बर्फ पड़ रही थी, आज इतनी गर्मी होगी भाई, ऐसी चलाना पड़ेगा आर्मा। तो बात सीधी ही है, अगर आपने ट्रक का ड्राइविंग लाइसेंस ले लिया है, हो सके अच्छी कंपनी में अप्लाई कर दो, जिम्मा में भाई अकॉर्डिंग टू ईयरली आपको पैसे, आपकी इनकम फिक्स कर दा, तो $2,00,000 फिक्स कर दा भाई यहाँ से, $2,00,000 भाई, 1,60,000-1,70,000 के करीब हो जा भाई साहब, 1,65,00,000 के करीब बैठा $2,00,000 ईयर के हिसाब से, साल के हिसाब से आपकी कमाई फिक्स कर दा भाई, आपको ये मिलेगा, ये तो सिर्फ कमाई, आपका बोनस अलग थे, छुट्टियां आपकी अलग थे, छुट्टियां आपकी अलग थे भाई, आपकी ये छुट्टियां हैं। तो मेरे भाई अगर आप इस तरह कंपनियों में अप्लाई करोगे ना, फिक्स सैलरी वाली कंपनियों में, तो आपकी सैलरी भी अप होगी, आपका बोनस भी मिलेगा, सब सिस्टम हो नुमा। ठीक है ना, मारे वाले बंदे ज्यादातर स्टोर बन रहे, स्टोर स्टोर पर काम मिल जाए, किसी रेस्टोरेंट पर मिल जाए, किसी प्राइवेट संस्थान पर मिल जाए, प्राइवेट संस्थान किस तरह का, जैसे कि मैंने बिजनेस खोल लिया मेरे वेस्टर्न लग गया, तो मैं क्या करूँगा भाई, मैं तो ऐसी फिक्स सैलरी दे सकूँ भाई, इससे ऊपर कोई बोनस, कोई इतनी बड़ी कंपनी है नहीं मेरी भाई जो वर्कर्स ना बोनस दे सकूँ, क्योंकि मेरे पास वर्कर ही थोड़े कम है। ठीक है ना, इतनी बड़ी कंपनी है नहीं, इसी तरह भाई हम बड़ी कंपनियों में अप्लाई नहीं करते, यहाँ मैक्सिकन बंदे भाई बड़ी कंपनियों में बहुत लग रहे, तो वॉलमार्ट हो गया, इनमें लगना चाहिए यार, इनमें लग क्या हुआ क्या, हम क्या करा भाई, घंटे के हिसाब से सैलरी रखेंगे, कंपेयर करेंगे, हाँ भाई वॉलमार्ट दे रहे इतनी, अगर मैं उस गैस स्टेशन पर लगूंगा तो मैं इतनी मिल रही है, बाकी मैं भाई अपने लोकल बंदे भी हैं वहाँ से, थोड़ी बहुत हिंदी भी भाषा में थोड़ी बहुत कन्वर्सेशन हो जाएगी, तो थोड़ी बहुत जानकारी ही लिखड़ी जाओ, ऐसा भाई दिमाग से पहले बात तो ये चीज़ काट दियो, और आँख में जगह वॉलमार्ट पर लग जियो। ठीक है ना, वॉलमार्ट हो गया, मायर हो गया, इनमें क्या हुआ, बेनिफिट एक नहीं होते भाई, ये इंश्योरेंस वगैरह भी देवा, बहुत चीज़ें देवा यार, ये कोई हम मतलब बहुत चीज़ें एक्स्ट्रा देवा, एक्स्ट्रा
कहीं कई कंपनी तो ऐसी हो भाई पूरी फैमिली का इंश्योरेंस करता, पूरी फैमिली का, कहीं तो कार गड्डी गुड्डी ये भी देता यार, ठीक है ना। तो किसी बिजनेस के अंडर लगने थे ठीक, किसी प्राइवेट उससे किसी अच्छी कंपनी के अंडर लगो भाई, एक पक्के वर्कर के तौर पर लगो, पक्के वर्कर के तौर पर। ऐसे नहीं भाई किसी मतलब कोई बंदा है वहां ऐसी कोई बंदा सुना बिजनेस ना हैंडल कर रहा है उसके अंडर लग रहे, नहीं। ऑनलाइन अप्लाई करो, ऑनलाइन तरीके से सारा सिस्टम हो, यहाँ हायरिंग होती रहो भाई, यहाँ से बंदे लग दे रहो, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ 1.5 करोड़ रुपये आदमी आराम से कमा सका, कोई बड़ी बात नहीं साल के, ठीक है। बाकी भाई जितना कहना आसान है उतना मुश्किल भी हो है, क्योंकि मेरे बाल वर्क परमिट आया है। बाकी आगे का अगर देखेंगे, आगे का प्रोसेस अपना भी चलाएं, क्योंकि मैं यहाँ स्टोर पर काम करूँ भाई, यहाँ से जितने भी मतलब कस्टमर आवा ना सभी, कोई कंपनी में काम कर रहा है, कोई यहाँ से दूसरी कंपनी में काम कर रहा है, कोई लोकल, तो मैं यार अंतर देखूँ भाई मेन चीज़ क्या है। तो मेन चीज़ मैंने यही पकड़ी, किसी अच्छी कंपनी में काम करो जिस कंपनी का नाम हो, जो यहाँ नेशनल लेवल की कंपनी है, वॉलमार्ट भी नेशनल लेवल की, ऐसी ऐसी कंपनियों में काम करो, बहुत सारी कंपनियां, सिर्फ वॉलमार्ट मार्ट तो मैं सिर्फ एक नाम ले रहा हूँ भाई, अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, यहाँ सी है, ऊबर आबर में काम कर रहे, तो आज ऊबर में भाई बहुत पैसे मर जाए, कोई ऐसी बात नहीं है। ऊबर के साथ साथ आप एक आधी कंपनी से और डील कर सको, तो अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया भाई, थोड़ी बहुत ही भाई आपकी वो कर देंगे हम, क्या कर देंगे मतलब, कहने मतलब है जो आपका पार्सल वगैरह हो ना उनको लोकल एरिया में भेज देंगे हम, जिस जहाँ जहाँ आप चोड़े होंगे। तो भाई आखिरी निचोड़ यही है, ट्रक बजा रहे कोई अच्छी बात है भाई, कोई दिक्कत नहीं है ट्रक बजा रहे, लेकिन किसी कंपनी के साथ डील करके रखो जो अपना अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करा, अच्छा सिस्टम प्रोवाइड करा, सब कुछ मतलब आपका और भी चीज़ों में ख्याल रखा यार। हम सिर्फ सैलरी देख कर किसी कंपनी में ज्वाइन कर ला, आजकल सैलरी सिर्फ अपना लोकल वेस्टर्न कंपनियों में बिजनेस के तौर पर मिल जाएगी, मैं वो नहीं कह रहा भाई मिल जाएगी, लेकिन वो चीज़ें भाई हम वो चीज़ें मिस कर दा, ठीक है ना। तो पहुंचे भाई मेरे स्टोर पर जी, आज भाई गोरा नहीं काम कर रहा, आज दूसरी बुड्ढी काम कर रही, स्टोर पहुंच गया उससे हाय हेलो करके अपना भी बाय बाय करा, ठीक है, देखते हैं भाई यही चीज़ है, बाकी सब ठीक है। जय श्री राम, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।